अंकित शर्मा शहीद हो गया है और पोस्टमार्टम के बाद गांव आएगा पार्थिव शरीर। ये कहा गया पहले पोस्टमार्टम किया जाएगा। पैतृक गांव इटावा में होगा अंतिम संस्कार। मुजफ्फरनगर के इटावा गांव का अंकित बताया जा रहा है कि वो मुजफ्फरनगर के इटावा गांव का था। दिल्ली में आईबी जवान की ये मौत का मामला सामने आया है। मुजफ्फरनगर का लाल अंकित शर्मा शहीद हो गया है और अब कहा जा रहा है कि पहले पोस्टमार्टम किया जाएगा और उसके बाद उसे गांव लाया जाएगा। पैतृक गांव इटावा में होगा अंतिम संस्कार शहीद का। जो है बेसिकली किसी भी तरह से ना तो मुसलमान की वजह से ना हिंदू की वजह से मरा है। केवल ये एक हमारे जो यहाँ के झगड़े हो रहे हैं, जो शाहीनबाग का जो मामला चल रहा था, जो आज हुआ था, केवल उसके कारण हुआ है। केवल हम इसको जो है केवल एक राजनीति के तौर पे देखेंगे। हमें उसका दुख है, बहुत ज्यादा दुख। हम वर्क करते हैं इसके। क्योंकि सूचना अभी मिली है तो हम दिल्ली पुलिस से भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और SDM बुढ़ाना और CO बुढ़ाना भी उनके परिवार से बात कर रहे हैं। उसमें कंफर्मेशन ये हुआ है कि उनका नाम अंकित शर्मा है और वो इटावा गांव के रहने वाले हैं और कल उनका बॉडी जो है वो यहाँ पे दाह संस्कार के लिए जो है इटावा गांव में। सचिन हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। सचिन, परिवार वाले इस वक्त काफी परेशान हो गए, उनके घर का चिराग बुझ गया है, क्या कुछ वो इंसाफ चाहते हैं अभी इस पूरे प्रकरण के बाद? जी होंगे, आपको बताना चाहूंगा किस तरह से दिल्ली में स्टे के विरोध पे आईजी कांस्टेबल की निर्मम हत्या कर दी जाती है। आपको बता दूं 2017 में दिल्ली में आईजी कांस्टेबल के पद पर ये तैनात हुआ था और उस पिता भी दिल्ली में ही रहते हैं, दोनों ही आईजी में कांस्टेबल है। अब जो पूरा मामला है उसका फिर तक जो शरीर है वो गाँव इटावा पहुंचेगा, वहां अंतिम संस्कार होगा और उसके बाद ही जो इनके परिजन है उनके बाद उनसे बात पाएगी। जी बिल्कुल सचिन, देखिए हत्या के कारण क्या है इसके बारे में पता चल पाया, क्योंकि अभी तक तो यही कहा जा रहा है कि जिस तरह से दंगे हो रहे हैं दिल्ली में वो कहीं ना कहीं इसके पीछे की वजह है? नहीं, आपको बता दूंगा शिवांगी, उसके भाई का साफ तौर से कहना है कि वही गांव उनके जो वो चांदबाग है उसी इलाके का कोई पार्षद है, वो उन्हें उनके घर में भेजाया गया था और चार युवक गए थे वो, जिसमें से तीन की हत्या हो चुकी है, अब तक एक का अभी भी लापता है। अभी नहीं कह सकते क्योंकि हमारी परिजनों से वार्ता नहीं हो पाई है, लेकिन हाँ अब से कुछ घंटों बाद जैसे ही पार्थिव शरीर उनका गांव में अंतिम संस्कार के लिए पहुंचेगा उसके बाद जो उसके परिजन होंगे उनसे बातचीत होगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सचिन इन तमाम जानकारियों के लिए आपका। दिल्ली से अगली खबर, दिल्ली के उत्तर पूर्वी में हिंसा का मामला। आपको बता दें